कासगंज में भले ही डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य कर्मियों को बार बार सुधरने की नसीहत दे रहे हैं, लेकिन कासगंज के स्वास्थ्य कर्मी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। कासगंज जिला अस्पताल में महिला वार्ड की व्यवस्थाएं लगातार बिगड़ती जा रही हैं। आलम तो ये है कि जिला अस्पताल में तैनात स्टाफ नर्स बिना रुपए लिए डिलीवरी नहीं करती। ताजा मामला कासगंज के जिला अस्पताल का है, जहाँ तैनात शोभा नाम की स्टाफ नर्स ने प्रसूता को HIV पॉजिटिव बताकर उसके तीमारदारों को हड़काया और डिलीवरी के नाम पर 4,000 रुपए वसूल कर लिए। इतना ही नहीं, शोभा स्टाफ नर्स की इंचार्ज भी है। अब जब इंचार्ज ही खुलकर अवैध वसूली कर रही है, तो बाकी स्टाफ का क्या आलम होगा, ये आप सोच सकते हैं। इन सब बातों का खुलासा प्रसूता के साथ आई पीड़िता तीमारदार कुंती देवी ने किया। तीमारदार कुंती देवी ने मीडिया को इस मामले में लिखित शिकायती पत्र देकर स्टाफ नर्स के खिलाफ कार्यवाही कराने की मांग की है। बड़ी बात तो ये है कि एक तरफ सरकार मरीजों और प्रसूताओं के लिए बेहतर व्यवस्था में करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और बड़ी बड़ी योजनाएं ला रही है। इसके अलावा कासगंज की जिलाधिकारी हर्षिता माथुर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर अपनी सख्ती बरकरार बनाए हुए हैं। ऐसे में जब कोई स्वास्थ्य कर्मी सरकार और DM के आदेशों की धज्जियां उड़ाए, उस पर कासगंज की सख्त जिलाधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी क्या कार्यवाही करते हैं, ये आने वाला समय ही बताएगा। हाँ, मुझे किसी अज्ञात पत्रकार ने वीडियो भेजा था, जिसमें उन्होंने बताया कि आपके यहाँ से ये है, इस तरह की बात है। अब एक तो वो मरीज हमारे सामने आए तब उससे बात करेंगे, है ना, कि किस को पहचानती है, उनको शिनाख्त करवाएंगे कि कौन है शोभा सिस्टर, वो किसी और ने लिए हो और किसी का नाम ले रही हूँ तो किसी पे गलत एक्शन हो जाए, और इसकी फिर हम जांच करके पूरी तरह से 3 डॉक्टर पैनल से जांच कराएंगे और इस पर पुलिस कंप्लेंट करेंगे और आगे जो जो एक्शन हो सकता है वो करेंगे। क्योंकि कुछ लोग बाहर के अनधिकृत रूप से अटैच हैं, उन्हें भी हटवाना है। जो लोग यहाँ पर तैनात हैं केवल हम लोग उन्हीं से काम कराना चाहते हैं, इससे कोई नुकसान ना हो। मैं हमारे संज्ञान में कुछ और लोग आए हैं जो लोग गड़बड़ करते हैं, पैसे की बात तो आज तक नहीं आई लेकिन गलत काम करते हुए हैं, तो अब जब हमें सबूत मिल जाएंगे तो उनके खिलाफ पुलिस एक्शन लेंगे। मतलब हम कार्रवाई विभागीय नहीं चाहते, कोई विभागीय कार्रवाई में तो आदमी जवाब दे के बच जाता है, हम चाहते हैं सीधे पुलिस एक्शन। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।